इस जिले में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। विशेष रूप से फॉरेस्ट होने के नाते जल सुविधाएं, सिंचन सुविधाएं, रास्ते का नेटवर्क, उद्योग, इसको आने में बहुत दिक्कतें थी। उसका परिणाम यह था कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, उनमें शिक्षा का भी अभाव था। मुझे बहुत खुशी है कि ये विद्यापीठ बनने के बाद आदरणीय देवेंद्र जी ने और सुधीर बहु ने इस विद्यापीठ के विकास के लिए अनेक बार आर्थिक मदद करके इसको बहुत शक्तिशाली करने की कोशिश की।